सब्सक्राइब कीजिए रेखा अग्रवाल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए नई आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और मैं रेखा अग्रवाल। आज की वीडियो में मैं आपको दही बड़े बनाना सिखाऊंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बनाएंगे दही बड़े। तो इसके लिए मैंने 250 ग्राम दाल ले ली है। ये मूंग की धुली हुई दाल है और इसको मैंने 5-6 घंटे पानी में भिगो दिया था। तो इसका पानी हटाकर हम मिक्सी में पीस लेते हैं। इसको दाल को पीस लिया है, इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। एक चम्मच नमक डाल देंगे और इसको फेंट लेंगे 2-3 मिनट तक और ये रिफाइंड चढ़ा देंगे। इसमें हम दही बड़े बनाएंगे। तो इसको मैंने 2-3 मिनट तक फेंट लिया है और तेल हमारा गर्म हो गया है। चम्मच की हेल्प से डालेंगे एक एक करके। एक बर्तन में पानी गर्म कर लेंगे। देखिए, आधा चम्मच नमक डाल देंगे, इसको गर्म कर लेंगे। इसको उबालेंगे नहीं, सिर्फ गर्म करेंगे। दही बड़े डालेंगे इसमें हम। फिर एक तरफ से दही बड़े सिक गए हैं, इसको पलट देते हैं। आंच को मीडियम रखेंगे। दही बड़े सिक गए हैं, इसको निकाल लेते हैं और इनको पानी में डाल देंगे। इसी तरह से हम अपने सारे दही बड़े बना लेंगे। दही बड़े के लिए मसाला बनाएंगे। 2 चम्मच जीरा सेक लेंगे। 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया सेक लेंगे। ये बहुत जल्दी सिक जाता है। धनिया सिक गया, गैस को बंद कर देंगे और धनिया को पीस लेंगे हम। अब इसमें ये धनिया डाल देंगे। 1 चम्मच सफ़ेद नमक डाल देंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च डाल देंगे। 2 चम्मच चाट मसाला डाल देंगे। 1 चम्मच काला नमक डाल देंगे और इनको मिक्स कर लेंगे। दही बड़े सर्व करेंगे। ये पानी में से निकाल कर हम इसमें डाल लेंगे प्लेट में। ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। दही डाल देंगे, मीठी चटनी डाल देंगे। ये इमली की चटनी है, इस हरी चटनी डाल देंगे। मसाला हम स्वाद अनुसार डाल देंगे। उबले हुए आलू डाल देंगे। तो ये हमारे दही बड़े बन गए हैं। इसी तरह से आप भी अपने घर पर दही बड़े बनाइए और मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।